हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम पीडीएफ के बारे में बात करेगा। वाकई इंटरव्यू का माध्यम आप लोगों को सिलेक्शन किया जाएगा आरआरबी कोलकाता में। सो इसमें देखिए, ईस्टर्न रेलवे में जो हॉस्पिटल बी आर सिंह हॉस्पिटल, इसमें आप लोग को रिक्रूटमेंट कर रहा है, जो कि सियालदह डिवीजन के अंडर कॉन्ट्रेक्चुअल में। इसका जो पीरियड है दोस्तों 31/12/2022 से लेके रेगुलर सिलेक्टेड कैंडिडेट हुज भी इसमें प्रोसेस होगा। आप लोग को वाकई इंटरव्यू के माध्यम आप लोग को सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। सो इसमें देखिए 17/10/2022 में इसका इंटरव्यू होगा, ठीक है। सीरियल नंबर 1-2 का डेट अनुजाई आप लोग को सिलेक्शन किया जाएगा। सो इसमें देखिए 1-2 उसमें देखिए जो इंटरव्यू का टाइम है, इसका जो अनुमान के हिसाब से आप लोग को इंटरव्यू होगा। जो लोग इस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहता है, पूरा आप लोग को जो टाइम है, डेट एंड वेन्यू में आप लोग को पहुँचना है, ठीक है। सो 10 बजे आप लोग को पहुँचना है सियालदह ईस्टर्न रेलवे हॉस्पिटल में, ठीक है। उसके बाद आप लोग को जो अलॉन्ग टर्मिनेशन वाकई इंटरव्यू का, उसमें देखिए डेट अनुजाई आप लोग को इंटरव्यू होगा। वाकई इंटरव्यू माध्यम आप लोग को सिलेक्शन किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सुपरिटेंडेंट, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए दोस्तों 3 वैकेंसी है दोस्तों। यूआर के लिए 3 और एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 4, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है। टोटल 10 पोस्ट के लिए आप लोग को रिक्रूटमेंट कर रहा है, ठीक है। एज रहेगा 21 से लेकर 35 साल तक आप लोग इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड नर्स मिडवाइफरी और 3 ईयर्स एक्सपीरियंस रहना जरूरी है, ठीक है। सो बीएससी नर्सिंग होगा तो भी चलेगा। सो इंडियन नर्सिंग रहना जरूरी है, मस्ट, ठीक है। आप लोग को सैलरी, आप लोग को सैलरी मिलेगा 7 पे मिलेगा, ठीक है, लेवल। उसके बाद 44,900 से लेकर 1 लाख के आसपास सैलरी मिलेगा। सो यहाँ पे आप लोग को डिटेल्स में बता दिया, ठीक है। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग पूरा डिटेल्स में हम बता दूंगा। सो कैसे कब अप्लाई करना है हम पूरा डिटेल्स में बता दूंगा, ठीक है। सो यूआर के लिए और एससी एसटी के लिए जो लोग जो कंडीशन है उन लोग के लिए अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पर पूरा डिटेल्स में बता दिया। सो कब कॉन्ट्रेक्चुअल का जो टर्मिनेशन कंडीशन है इसमें बता दिया। देखिए सच कंडीशन में आप लोग को बता दिया है। सो आप लोग कब जो कि परमानेंट बेसिस में होता है वो परमानेंट नहीं होता है। सो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में आप लोग को रेगुलर में काम करना पड़ेगा। सो यहाँ पर बता दिया नो वर्क नो पे, आप लोग को ऑन ड्यूटी एब्सेंट करेगा तो आप लोग को पे सैलरी नहीं मिलेगा, ठीक है, मंथली में। सो अटेंडेंट का माध्यम में आप लोग को जो पासपोर्ट साइज फोटो और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, लेके आप लोग को इंटरव्यू के टाइम लेके जाना है, ठीक है, फोटो पासपोर्ट के साथ, ठीक है। कुछ भी डाउट है नीचे कमेंट में जरूर बताएं, हम जरूर आप लोग को सहायता करेगा, ठीक है दोस्तों। सो यहाँ पे स्टाफ नर्स सुपरिटेंडेंट के लिए जो लोग पद में आवेदन करेगा उन लोग के लिए एक अच्छा मौका है। सो यहाँ पे डिटेल्स में देखिए, हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग डिटेल्स हम बता दूंगा हमारे चैनल में। सो हमारे साथ बनाए रहने के लिए थैंक यू दोस्तों। जो लोग मेरा चैनल नया विजिट करें, थैंक यू दोस्तों वीडियो अच्छी लगे। और एक स्पेशल वीडियो हम आपको पूरा जानकारी देते रहूँगा, ठीक है, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आगे हम लोग और एक नया वीडियो लेकर आप लोग के लिए, जो लोग मेरा चैनल में नए विजिट कर रहे हैं, एक अच्छा स्पेशल वीडियो लेकर दोस्तों आप लोग के लिए, मेरा चैनल का सब्सक्राइबर के लिए, सो फ्रेंड के लिए। सो जितना दिन फॉलो कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए ईस्टर्न रेलवे का तरफ रिक्रूटमेंट का तरफ से जो नर्सिंग ऑफिसर सुपरिटेंडेंट आरआरबी फार्मासिस्ट के लिए एक अच्छा वैकेंसी निकल का है दोस्तों। तो और हेल्थ मलेरिया इंस्पेक्टर को वालों के लिए भी अच्छा मौका है। सो जो लोग इस पोस्ट में आवेदन करना चाहता है उन लोग के लिए अच्छा मौका है दोस्तों। बहुत दिन के बाद जो कि आरआरबी कोलकाता के तरफ से एक अच्छा वैकेंसी निकल कर आया। जो लोग इस पोस्ट में आवेदन करना चाहते हैं दोस्तों, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट फार्मासिस्ट और उसके बाद हेल्थ मिलेरी इंस्पेक्टर वालों, उन लोग के लिए एक अच्छा मौका है। सो उन लोग आवेदन करने के लिए जो उन लोग पहले हैं उन लोग एक बार अच्छे से देखिए पूरा वीडियो को लास्ट तक। देखिए वैकेंसी का जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, यहाँ पे देखिए हेल्थ मलेरिया इंस्पेक्टर में देखिए 2 वैकेंसी निकल के आया, जो कि बीएससी नर्सिंग, बीएससी और डिप्लोमा करके रखा तो इस पोस्ट का आवेदन कर सकता है। फार्मासिस्ट के लिए 1 वैकेंसी है, ठीक है, जो कि डी फार्मा करके रखा तो इस पोस्ट का आवेदन कर सकता है, ठीक है, जो कि मेल हेल्थ मलेरिया इंस्पेक्टर के लिए अच्छा मौका है, ठीक है। सो एज लिमिटेड क्या मांगा है हम बता दिया, 19 से लेकर 35 साल तक आप लोग इस पोस्ट का आवेदन करके रखा तो इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकता है। जो कि सिलेक्शन प्रोसेस में देखिए वॉकिंग इंटरव्यू का माध्यम आप लोग को सिलेक्शन किया जाएगा हेल्थ मेलर इंस्पेक्टर वालों के लिए, ठीक है। सो इसमें पे स्केल क्या रहेगा, देखिए कैंडिडेट उल भी और आप लोग को जो पे स्केल है हम बता दूंगा अलग अलग में। सो कैसे अप्लाई करना, ऑफिशियल जो वेबसाइट है ईस्टर्न रेलवे 2021 रिक्रूटमेंट 2022 में पूरा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का माध्यम आप लोग को पूरा डिटेल्स में मिल जाएगा। सो
सर्टिफिकेट भी लेकर जाना है। इसी एड्रेस में देखिए ऑफिसर्स क्लब सियालदह सागर ईस्टर्न रेलवे सियालदह कोलकाता में जाके आप लोग को एड्रेस में पहुंचना है। इसी एड्रेस में आप लोग का इंटरव्यू होगा, वर्किंग इंटरव्यू जो कि 17 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, ठीक है। सो ऑफिशियल लिंक में हम बता दिया, सो पीडीएफ का एक बार अच्छे से देख लेते हैं। चलिए सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए ऑफिशियल वेबसाइट में आने के बाद देखिए यहाँ पे जो वर्किंग इंटरव्यू पैरामेडिकल पोस्ट के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में आप लोग को लेके जा रहा है। यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रैक्ट अनुमान में जो 31/12 इसके हिसाब से आप लोग को लेकर जाएगा। स्टिल रेगुलर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उसके हिसाब से 17/10 में आप लोग को इंटरव्यू होगा, और सीरियल नंबर 1-2 का जो 20 को इंटरव्यू होगा, ठीक है। उसके हिसाब से आप लोग इंटरव्यू होगा तो आप लोग 10 AM में आप लोग को पहुँचना है जो एड्रेस दिए उसी एड्रेस में। सो यहाँ पे के जो कि मलेरिया हेल्थ इंस्पेक्टर वालों के लिए दो वैकेंसी है, इसमें यूआर के लिए एक और ओबीसी के लिए एससी के लिए एक वैकेंसी है, ठीक है। सो टोटल दो पोस्ट के लिए आप लोग आवेदन कर सकता है। इसमें आप लोग जो एज है देखिए 21 से लेकर 35 साल तक एज रहेगा तो इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकता है। बीएससी केमिस्ट्री और डिप्लोमा हेल्थ ऑफ नर्सिंग में सैनिटरी इंस्पेक्टर 1 ईयर एक्सपीरियंस रहना जरूरी है, ठीक है। एनटीसी इन हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में आप लोग को ट्रेनिंग के हिसाब से आप लोग को लेकर जाएगा, ठीक है। लेवल आप लोग को जो लेवल है 6 मिलेगा, ठीक है। सो अनुमानिक आप लोग को 29,000 के आसपास मिलेगा, 1 लाख के आसपास, ठीक है। सो यहाँ पे हर एक पोस्ट के लिए देखिए फार्मासिस्ट वाले के लिए एक पोस्ट है, इसमें भी आप लोग को अच्छा मौका है दोस्तों इस पोस्ट का आवेदन करने के लिए। डी फार्मा और डिप्लोमा बी फार्मा करके इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। रेडियोग्राफर के लिए 2 वैकेंसी है, इसमें आप लोग को जो कि यूआर के लिए 2 पोस्ट है, ठीक है। 10 और 12 साइंस का तरफ से एक्से टेक्नीशियन करके रखा तो इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। सो बहुत एक अच्छा मौका है दोस्तों, इसका जो डेट अनुजाई आप लोग को इंटरव्यू होगा हम बता दिया, 17 और 20 दो डेट में आप लोग का इंटरव्यू होगा। उसी इंटरव्यू के माध्यम में आप लोग को सिलेक्शन किया जाएगा वर्किंग इंटरव्यू के माध्यम में, ठीक है। सो कुछ भी डाउट हो नीचे कॉमेंट में जरूर बताएं, हम जरूर आप लोग को सहायता करेगा। ईस्टर्न रेलवे का तरफ से वेलकम।